अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चस्का चैनल। ईद की गहमा गहमी ख़त्म हो चुकी है, कुर्बानी का प्रेशर भी ख़त्म हो चुका है, दावतें खा खा के हम लोग तंग आ चुके हैं और दिल चाहता है कि अब गोश्त वाला कोई आइटम ना हो, तो इसलिए आज हम बनाने लगे हैं सिंपल सी मसल पुलाव की रेसिपी। बनाइए, खाइए, हमारी वीडियो को एंड तक देखें, स्टेप बाई स्टेप देखें, ताकि उसी तरह से वही टेस्ट आए जो मैंने डेवलप करने की कोशिश की है। तो चलें हम बनाना शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू करने लगे हैं हमारे मसल पुलाव बनाना, जिसके लिए मसल मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं। इसको मैं 2/3 उबालूंगी और अब ये पैन है, पैन में मैं डालूंगी प्याज, प्याज को मैंने लाइट ब्राउन करना है। ईद के दिनों में बंदा गोश्त खा खा के तंग आ जाता है, तो कभी दिल चाहता है कि कुछ हटके बिल्कुल सिंपल सी चीज़ होनी चाहिए और चटपटी भी हो, मज़ेदार सी भी हो और मुँह का जायका भी चेंज हो। तो कभी हम सब्ज़ी वाले चावल बना लेते हैं, कभी मसल वाले चावल बना लेते हैं, तो ऐसी ही एक डिश है, इंशाल्लाह पसंद आएगी आप लोगों को। आप देखते जाएँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएँ कि किस तरह से मैं बनाने लगी हूँ, ताकि वैसे ही मज़ेदार आपकी भी चीज़ बने। इसको बस हमने थोड़ा सा, इसको हमने ग्रीन कलर ही रखना है, हमारा रेड कलर नहीं आने देना चावलों में हमने, तो इसलिए हमने इसको बस ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सोते ही करना है कि बस ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, कलर ना चेंज करे, बस ट्रांसल्यूसेंट हो जाए। ये देखें हमारी ट्रांसल्यूसेंट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं गर्म मसाला। गर्म मसाले में मैंने लिया है ज़ीरा, तेज़पात, दालचीनी, एक सब्ज़ इलायची है, 2 बड़ी वाली इलायचियाँ हैं, थोड़े से चंद लौंग और काली मिर्चें हैं, एक मैंने बादियान का फूल लिया है और तकरीबन ये देखें 4 के करीब हमारे जो होते हैं आलू बुखारे मैंने लिए हैं। पुलाव में, बिरयानी में आलू बुखारा, इमली बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट मज़े का आता है। अगर आपके पास इमली भी है तो आप आलू बुखारे के साथ इमली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक लिया था, यानी कि एक जो मेरा टेबल स्पून था लहसुन का था और एक अदरक का था, और ये फ्रेश कूटे हुए थे। जो फ्रेश की खुशबू होती है, फ्रेश का टेस्ट होता है, वो अलग ही होता है। हम टाइम सेविंग के लिए हमारे पीस के रख लेते हैं, लेकिन कभी मौका मिले तो कभी आप फ्रेश में भी बना के देखिए, इंशाल्लाह बहुत ही इसका ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट होता है। इसका मसाला भुनने की अभी से ही खुशबू आने लगी है। अब ये हरी मिर्चें भी सीवी, और टमाटर मैंने एक ही मीडियम साइज़ का लिया है, टमाटर हमने ज़्यादा नहीं लिया, वो भी मैंने रेड नहीं लिए हैं, ऑरेंज टाइप के लिए हैं, क्योंकि कलर हमारा इसका रेड नहीं हमने करना। और मैंने आलू बुखारा ले लिया था, इसलिए मैंने टमाटर कम लिया है। इसको बस हमने थोड़ी देर तक इसको भून लेना है, ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। ये देखें हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम डालते हैं इसमें आलू, ये आपकी ऑप्शनल चॉइस है, आप डालना चाहें तो डालें। हमारे घर में तो आलू के बगैर बिरयानी भी पसंद नहीं की जाती, बिरयानी भी बनेगी तो उसमें आलू ज़रूर डालेंगे, तो आलू आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डालें, ना डालना चाहें ना डालें। और थोड़ा सा पानी तकरीबन 1 कप जितना डाल के हम आलू को गलने रख देंगे। आलू हमारे जब 3/4 के करीब गल जाएंगे, इसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे हमारा। चलिए हम चेक करते हैं आलू को, कितना मसाला कितना ज़बरदस्त सा भुना है, ऑयल भी सारा ऊपर आ गया है। तो मैं एक आलू को तोड़ के चेक करती हूँ, ये देखिए हमारा आलू फूट गया है, ये देखें। अब जो हमारे बाकी का जो गलना है उसमें चावलों के साथ गलना है। इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ नमक। नमक मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था कि हमने चावल में भी डालना था नमक, चावल का भी नमक डालना था, यानी कि फिर हमें 2 दफ़ा डालना पड़ता। अब ये जो हमारा पानी बनेगा, जो पानी बॉईल होगा, इसमें नमक होगा और जो हमारे आलू भी रह गए हैं गलने,
इसमें भी नमक आ जाएगा और चावलों में भी नमक आ जाएगा। हमारे तकरीबन आधा किलो के करीब चावल हैं, तो ये दो गिलास से थोड़ा सा ऊपर में पानी डाल के उसको थोड़ी देर में बॉयल आने देती हूँ और फिर इसमें चावल डालूँगी। हमारे मसर भी उबल गए थे तकरीबन, ये देखिए हम तकरीबन 2/3 उबल गए हैं, हल्का सा इसमें है। जब मैं चावल डालूँगी, चावल हमें दम पे होंगे, इसके बाद मैं इनको डालूँगी क्योंकि पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। साथ धनिया पुदीना डालेंगे, आधा हम अभी डालेंगे, आधा हम दम के टाइम पे डालेंगे। इससे खुशबू बड़ी मज़ेदार हो जाती है धनिए से, पुदीने से। और ये देखिए हमारे, हमने जो ऑरेंज कलर के टमाटर डाले थे और ज़रा सा खट्टा करने के लिए, मसाला करने के लिए हमने फिर इसमें आलू बुखारे डाल दिए थे, देखें चावल वाइट ही बनेंगे। हरी मिर्चें थी, खड़ा मसाला था, तो ये हमारे चावल वाइट ही बनेंगे। जब इसका पानी सोख हो जाता है, जब इसको हम दम पे रखेंगे, तो हम बाकी चीज़ें इसमें बाद में डालेंगे। कि देखिए पानी सोख हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मसर थोड़ा बॉईल करके रखे थे वो, और बाकी का बचा हुआ धनिया पुदीना। को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। जब हमने मसर बॉईल किए थे तो उसमें हमने जब हाफ बॉईल हो गए थे, इसके बाद थोड़ा सा नमक डाला था ताकि मसर में भी नमक आ जाए। पहले हम इसलिए नहीं डालते कि बार दफ़ा ऐसा होता है कि नमक डालने की वजह से वो चीज़ अकड़ जाती है और सही तरीके से गलती नहीं। अब ये देखिए हमारा तकरीबन हमारे ये गले में ही थे, अब हम इसको दम देंगे और तवे पे दम दे देंगे। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा मसर पुलाव रेडी है, इसको हमने रायते और प्याज और नींबू के साथ सर्व किया है। आजकल मॉनसून का सीज़न है और डायरिया का ज़्यादा इशू होता है, तो इसलिए आप लीमू और प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करें। लीमू को सकंजबीन बना के पिएं ताकि जो मॉनसून का असरात कम हो। बनाइए, खाइए, पसंद आए तो हमें फीडबैक दें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि हमारी वीडियोज़ अपलोड होते ही आपको मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।